का हॉस्टल है आपका फाइन ये मैंने जेबी हॉस्टल लाइफ पे एक वीडियो भी तैयार किया था एक बार ये वीडियो ये दो बच्चे हमारे साथ थे बी एम एस का अपना प्रॉब्लम इज ओनली ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट विल गेट एडमिशन सेट द रूल फॉर दैट रूल चेंज ओवर ये आपको एक मोटा मोटा सेट रूल में आपको दे रहा हूं नंबर वन जो बच्चा मुंबई का है उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा पीरियड जो बच्चा मुंबई का है उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा और अब ओमाई गॉड क्या साल बॉम्बे तो रहता है ट्रेन पकड़ टू बोरिट फास्ट लोकल इज थर्टी वन मिनट न्यू बॉम्बे से मैं न्यू बॉम्बे से जाता था भाई मुझे मत ध्यान दो ठीक है जाने मुंबई तुम जो बच्चा मुंबई में बैठा है उसको प्रैक्टिस है ट्रेन में ट्रेवल करने की नला सौ बारह तुम्हारी प्रॉब्लम है तो डैडी को बोल घर दूर क्यों लिया <laughs> मुझे क्यों बोल रहा है ठीक है नंबर मुंबई वालों को नहीं मिलेगा आउटसाइड मुंबई स्टूडेंट स्टूडेंट जो बच्चे बाहर से आएंगे पुणे नासिक औरंगाबाद नागपुर एंड ऑल इंडिया वाले उनमें से ऑल इंडिया वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस यार मैं पंजाब से था मैं रहता मुंबई में था किसी को बोलना मत लेकिन ऑन पेपर तो पंजाब था ना तो बिकॉज मैं पंजाब से था तो मुझे रूम मिला फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं तो फायदा हुआ यार कहीं तो फायदा हुआ ऑल <laughs> इंडिया वालों को कहीं तो फायदा लेन दो भाई हाथ जुड़वा ले भाई कहीं तो फायदा ऑल इंडिया वालों को पार्शियलिटी किया जाता है अरे बेटा ऐसा मत बोल झोल नहीं था नहीं नहीं दैट्स नॉट झोल ठीक है है चोर हम ठीक है पहला साल में जेबी के हॉस्टल में रहा जेबी के हॉस्टल में फिर पता चलता है कि कोई गर्ल्स अलाउड नहीं है जब हमें पता चला कि आई के हॉस्टल में गर्ल्स आर अलाउड बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ तो हमने फिर बाहर रूम लिया सो दैट बॉयज कैन स्टडी टूगेदर अलाउड नहीं थी हॉस्टल में। तो थो थो भी नहीं है नहीं। नहीं रूम के अंदर ठीक right. तो ऑल इंडिया एंड ओ एच यू वालों में से टॉप ट्वेंटी सेवन रैंक्स को जेबी मिलेगा टोटल तो तो बच्चों को जेबी मिलेगा तो बेस्ड ऑन योर सीईटी स्कोर तो अगर तुमने सीईटी में टॉप किया तो तुम्हें डायरेक्ट जेबी तो मिलेगा ही मिलेगा और तुम्हें हां बाहर से तुम फैन लेके जा एसी लगा शिवम तेरे ऊपर एसी नहीं तुम कूलर लगाओ जो करना करो बाजू में जो पीजी होगा ना कुणाल उसमें पचास हजार रेंट है रूम का नहीं बेड का चालीस हजार मेरे टाइम पे बीस हजार रुपये रेंट था बेड का एक बेड का ठीक है तो अब ये लेके चलो जिसका स्कोर एक पार हो गया आपको जेबी का होस्टल मिलेगा सेम वे गर्ल्स का भी हॉस्टल है एक मैडम कामा हॉस्टल मैडम कामा हॉस्टल मुंबई ठीक है ये अंधेरी में है मेरे ख्याल से किसी को मालूम है क्या मैडम कामा हॉस्टल कहाँ है ऑपोजिट वी एल मरीन ड्राइव ठीक है जहां तक सुनने में आया है मुझे यार मेरे तो किसी लड़की से बात मैं तो मैं मैं तो पता है तुम्हारा भाई कितना शरीफ था मैं तो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था तो मुझे गर्ल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होस्टल के बारे में ठीक है बट मेरे टाइम पे जो लड़कियां थी दे टू देर लिव इन ऑल इंडिया कैटेगरी या ओएचयू वाली एक या दो गर्ल्स थी तो उनका अंधेरी में एक मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पे रूम दिया जाता था या ये मैड, मैडम कामा हॉस्टल में रूम दिया जाता था तो आपको रूम मिलेगा ठीक है बट और ओ में गर्ल्स ही कम होते हैं ना दो या तीन ही गर्ल्स आती है मैक्सिमम तीन चार गर्ल्स आती है तो भाई एक बार जान लगा दो लाइफ तुम्हारी सेट मै, मैडम मैडम कामाइजोन मरीन ड्राइव एक आ, अंधेरी में भी हॉस्टल है कभी गूगल करना मुंबई यूनिवर्सिटी हॉस्टल क्यों गूगल करना साले पढ़ाई करो तुम पहले तो बॉयज में आप एक लेके चलो एक जिसका पार होगा उसको आपको रूम मिलेगा हाँ हॉस्टल वहां पे कैंटीन है आप कैंटीन में खाना खाओगे ऐसी कैंटीन है वहां पे नहीं इतना तो साफ तो नहीं है ये तो ना भैया हमारा हॉस्टल इतना साफ तो नहीं था हाँ अभी बदल गया तो बात अलग है ठीक है ये ऐसा फोटो नहीं है भाई हमारे ऊपर पहले पे, बोल रहा है इतना हाई फाई लेके मत जाना हाँ ये था दिस इज टिपिकल थ्री बेडरूम ए नहीं था बस हाँ ये खिड़की ऐसी है। खिड़की के बाहर मरीन ड्राइव ठीक है तो एक बार थ्री फर्स्ट चेयर में तीन बच्चे शेयर करेंगे सेकेंड ईयर में आके अकेला अकेला रूम मिलेगा सिंगल सिंगल रूम मिलेगा सेकेंड ईयर का रूम ऑलमोस्ट ऐसा होता है रूम विद बालकनी बालकनी तो है ठीक है भाई एक बार स्कोर ले आओ जय माता दी फिर आपने होस्टल में देंगे दस हजार में टेन थाउजेंड रुपीज फॉर वन ईयर